जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। आयोजन आपके द्वारा करवाया जा रहा है 5 दिनों की, क्या कहना है? आयोजन जो हमारे द्वारा करवाया जा रहा है वो परम पूजनीय श्री बागेश्वर धाम सरकार महाराज जी के द्वारा हनुमान कथा का वाचन किया जाएगा, और उसमें हम देख रहे हैं कि हमारी तैयारियां पूर्ण रूप से कथा पंडाल से लेकर सही प्रकार की तैयारियां हो चुकी हैं, और जो क्षेत्रीय श्रद्धालुओं को, जो सांस्कृतिक हिंदू धार्मिक सनातनियों का लोगों का यहाँ बहुत अच्छा माहौल और उत्साह देखने को मिल रहा है, जिसमें हम जब से तैयारियां चल रही हैं यहाँ पर लगातार लोगों का आगमन बना हुआ है। डेली की जनसंख्या 5,000 से 10,000 तक लोगों डेली आते हैं जब से पंडाल की तैयारियां चल रही हैं। आज कल महाराज जी का आगमन है सुबह, और कल हमारी कलश यात्रा रखी गई है, उसको लेकर लोगों को आना सभी जिलों से आज से ही पंडाल में चालू हो गया है, और कल हमारा कलश यात्रा भी बहुत अच्छी तैयारियाँ चल रही हैं शहर में। यहाँ पे हमने 30 एकड़ जमीन में, जो पूरा पंडाल का एरिया कैंपस है, 30 एकड़ जमीन का रखा गया है, और 30 एकड़ में से हमने 20 से 25 एकड़ में जो हमारा पूरा पंडाल, भोजनशालाएं हैं, शौचालय सभी की व्यवस्थाएं रखी गई हैं, और हमने करीबन 125 से 150 एकड़ के समथिंग पार्किंग की व्यवस्था रखी गई है, तथा पंडाल है वो 25 एकड़ में रखा गया है, 10 एकड़ हम व्यवस्थित रूप से जमीन खाली रखे हुए हैं, अगर भीड़ बढ़ती है किसी भी प्रकार की तो हम रखेंगे, आयोजन बढ़ाने के लिए रखा गया है उसमें। सुरक्षा की दृष्टि से किस तरह की व्यवस्था की गई प्रशासन के द्वारा? सुरक्षा की दृष्टि से पूर्ण रूप से हम संतुष्ट हैं, प्रशासन ने बहुत अच्छे से सुरक्षा के इंतजाम किए हैं, पुलिस बल भर मात्रा में दिया गया है, और पुलिस बल के साथ साथ हमारे पर्सनल वॉलेंटियर भी हमने रखे गए हैं। कथा स्थल में पानी की व्यवस्थाओं को लेकर, गर्मी की अत्यधिक व्यवस्थाएं हैं, पानी की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से, और जो बाहर के श्रद्धालु आते हैं उनके लिए हमने सुबह से 12 बजे से लेकर रात्रि 12 बजे तक का अन्नपूर्णा चलाने का संकल्प लिया हुआ है। अन्नपूर्णा हमेशा रेगुलर चलाई जाएगी यहाँ पे। युवा कथा आयोजन जी, कैसे मन में आपके आया कि इतना बड़ा आयोजन हमने नगर, क्योंकि ऐतिहासिक आयोजन बताया जा रहा है, लोगों से बात की? हाँ, ये तो है कि क्षेत्रीय जनता का जो रुझान है वो एक ऐतिहासिक आयोजन भी बताया जा रहा है, मगर हम महाराज जी से आज से 2 से 3 साल से जुड़े हैं, तो सब बालाजी की कृपा माने तो आज हम इस आयोजन को करा पा रहे हैं, सब बालाजी महाराज की कृपा है। क्या देखने को मिल रहा है, कहाँ कहाँ भक्तों के लिए क्या व्यवस्था खास तौर से आप लोगों के द्वारा, जो बाहर से भक्त आए, जो भक्त क्या की गई? जो भक्त बाहर से आए हुए हैं, भक्त आते हैं फैमिली सहित, रुकते हैं 5-5 दिन, जो 5 दिन कथा में भक्तों का आना चालू हो गया है, कथा पंडाल में भक्त आ चुके हैं, उनके लिए अन्नपूर्णा की व्यवस्था सुचारू रूप से की गई है, यहाँ पर रुकने के लिए पूर्ण व्यवस्थाएं की है, पुलिस प्रशासन भी यहाँ निगरानी में रहेगा, किसी प्रकार की कोई समस्या का सामना नहीं होगा, जो व्यवस्थित रूप से हर हमने सुचारू रूप से रखी गई है, पानी से लेके सोने से लेके पूरी व्यवस्था इंतजाम कर दिए गए, कोई प्रकार की कोई समस्या नहीं है कार्यक्रम को लेके। यहाँ क्या अंतर में गुरुजी के लिए क्या कहना चाहेंगे? अंतर में गुरुजी हिंदू राष्ट्र का ध्वज लेकर देश विदेश की यात्रा कर रहे हैं, आपके द्वारा ये हमारा भी जो महाराज जी का संकल्प है कि भारत हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए युवा कार्यक्रम को करा रहा हूँ, तो उसको भी हम भी यही है कि हिंदू सनातनी को बढ़ावा देना ही हमारा संकल्प है, इसीलिए आयोजन कराया जा रहा है महाराज जी के मार्ग चल के कि हम आए हिंदुत्व को बढ़ावा दें।